व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टार लव फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो आज है संडे, संडे को फंडे बनाते हैं, थोड़ा सा स्टडी डे बनाएंगे, काफी नमक मिर्च मसाला लगा के हम लोग चाट खाएंगे, यानी कि पिछला जो भी बचा हुआ है उन्हें कहते हैं। घर में आप लोगों ने सुना होगा पुराने टाइम में क्या अभी मिल जाता है सुनने के लिए, होता क्या है बेसिकली, दो तीन दिन की सब्जी वगैरह बची पड़ी है, ठीक है, दो तीन दिन की तो खैर ज्यादा होगी, एक दिन की लगा पड़ेगा, ठीक है, मतलब सुबह से शाम की, फिर क्या करो, शाम को उनको मिक्स करो और मिक्स करके फिर मिक्स वेज बना दो और फिर चटकारे मार के खाओ उसको। तो ऐसा नॉर्मली किया जाता है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा घरों में भी कई बार बोलती है मम्मी कि हाँ ठीक है सुबह की सब्जी रखी है उसको मिला के कुछ और बना लेते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरीके की मिक्स वेज आप लोगों की रहने वाली है, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा पूरे सप्ताह में क्या हुआ। पर हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कि आप लोग देखते हैं कि एक तरीके से ताजी जो सब्जी होती है उसको खाने का मजा कुछ और होता है, ठीक है। इस सब्जी को थोड़ा काम चलाने के लिए आप लोग रख सकते हो, पर ये नहीं कि आप लोग इस सब्जी को अल्टरनेटिव बना लो कि हर दिन बस यही सब्जी खानी है, जो नॉर्मल सब्जी बन रही है वो नहीं खानी है। यानी कि नॉर्मल वीडियो रेगुलर देखोगे तो ये वीडियो का मजा आएगा आप लोगों को, वो आप लोगों का रिविजन हो जाएगा। अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप लोग बहुत कुछ मिस कर दे रहे हो। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बेसिकली ये है कि देखो, वहां पर जो वीडियो होती है वो रेगुलर 45 मिनट की होती है, ठीक है, यहां पर पूरे वीक की 45 मिनट की होती है, तो डिफरेंस तो रहेगा ना यार दोनों में। तो इसलिए इसको रिविजन की तरीके से एंजॉय करो तो ज्यादा प्रोडक्टिव आप लोग लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है। तो काफी प्यारा डिस्कशन रहेगा, इसको अच्छे से टकटकी लगाकर देखेगा। सबसे पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों से पूछूंगा, इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। बेसिकली ये मैंने वीडियो के अंदर भी आप लोगों से पूछा था, वेस्टर्न घाट जो आप लोगों को देखने को मिलता है अपनी कंट्री के, अगर बाउंड्री पर आप लोग घूमना स्टार्ट करोगे तो जो आप लोगों को मैप में जो वेस्ट साइड वाली बाउंड्री देखने को मिलेगी उसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं। ऐसे पिक्चर बना दो ना अगर, तो ये वाला वेस्टर्न घाट होता है, इसको ईस्टर्न घाट बोला जाता है, तो इसको किसी और नाम से भी पुकारा जाता है। बिल्कुल ऐसे ऐसे घर में आप लोग ना टिंको मिंको चिंको पिंको पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, कोरोना के मोरोना टोरोना सोरोना बना देना आप लोगों ने, ठीक है, तो वही वाली बात आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अब आप लोगों को बताना इसको किस नाम से पुकारा जाता है, कोई और नाम आ रहा है आप लोगों के दिमाग में, आप लोगों ने सुना हो कि हाँ यार ये भी नाम हो सकता है, ठीक है, तो इस तरीके से बताओ कौन सा हो सकता है, एंडेमिक क्वीन या फिर एंडेमिक क्राउन या फिर एंडेमिक घाट या फिर एंडेमिक होम। तो सारे ऐसे ऐसे नाम दिए हैं, वो भी जानता है एग्जामिनर भी, मतलब एग्जामिनर ने जिसने पेपर बनाया होगा, एक्चुअली एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, कि हाँ बच्चे जो हैं कहाँ पर बेसिकली हरकतें करते हैं। तो इसलिए आप लोगों की भावनाएं, इमोशन जो भी उसको मिलता है खेलने के लिए, वो सबके साथ में खिलवाड़ करता है, क्वेश्चन बनाते हैं टाइम की आप लोग कंफ्यूज किया जा सके, ठीक है। आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, फिर आप लोग को आंसर मिलेगा इसका, ओके। तो आगे बढ़ता हूं, जो न्यूज अब आप लोगों को बताने वाला हूं शॉर्ट फॉर्म में जिस दूंगा, ताकि टॉपिक आप लोगों की समझ में आ जाए और टॉपिक को आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड करो, तो लंबे समय तक चीजों को आप लोग याद भी रख पाओ। इंपॉर्टेंट बात यहां पर की जा रही है एमिशन गैप रिपोर्ट के बारे में, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर दूसरा जो भी एमिशन होता है उसकी वजह से जो टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें जो भी आप लोगों को गैप देखने को मिलेगा, तो उसके लिए यहां पर ये रिपोर्ट है। तो डायरेक्ट इसके बारे में क्वेश्चन बन जाएगा कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो यूएन एनवायरमेंट जो प्रोग्राम है जिसको यूएनईपी आप लोग बोलते हैं, तो उसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है एमिशन गैप रिपोर्ट। तो अभी कौन सा संस्करण है इसका, तो भाई साहब 12वां संस्करण है, तो इसके बारे में भी कई बार स्टेटमेंट पूछ ली जाती है। तो यहां पर देखो ये बोला गया कि आज की डेट में भी ना, अगर आप लोग जो कर रहे हो उसको कंटिन्यूअसली अगर करते रहे, सबने जो जो कसमें खाई थी, वादे किए थे कि हाँ हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, अगर उन वादों पर भी आप लोग बरकरार रहते हो तो भी आप लोग टेम्परेचर को ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाओगे, यानी कि आप लोगों को थोड़ी और कसमें खानी पड़ेगी और वादे करने पड़ेंगे अगर आप लोग चाहते हैं कि एनवायरमेंट का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल में रहे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आज की डेट में डिसाइड किए गए सारी चीजें फॉलो कर रहे हो तो भी आप लोग 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक सेंचुरी के एंड में टेम्परेचर को लेकर पहुंच जाओगे। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि अगर आप लोग थोड़ा सा और चीजों को सुधार सको तभी आप लोग चीजों को ढंग से कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि अगर बात करें इंडस्ट्रियल टाइम के ड्यूरेशन से लेकर अब तक का जो टेम्परेचर अभी चेंज हुआ है वो लगभग 1.2 डिग्री हुआ है, ठीक है, और अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो पता चला 1.5 हो गया और आप लोगों को 2 अगर देखने को मिलेगा तो पृथ्वी पर दुनिया भर की दिक्कतें आप लोगों को मिलती हुई नजर आएगी। तो इसलिए इसको यहीं पर ही कंट्रोल कर लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और इस तरीके से चीजों को कंट्रोल करो ताकि दिक्कतें कोई ना देखने को मिले। तो ये बात बोली गई है यूएनईपी के द्वारा, इसको बेसिकली 1972 में बनाया गया था, नैरोबी केन्या के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि क्वेश्चन बन जाते हैं, एमिशन गैप रिपोर्ट, एडेप्शन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, फ्रंटियर, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लानेट, ये रिपोर्ट इसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, ठीक है, बीट द पॉल्यूशन, यूएन 75, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे और वाइल्ड फॉर लाइफ, तो ये इसके द्वारा कंपेन चलाए जाते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है ये आप लोगों को बताना है। इंडिया और इसराइल जो है वो एक दूसरे के लंगोटिया यार माने जाते हैं, क्योंकि इसराइल जो है वो हमेशा किसी भी हद तक जाकर हमारे लिए हमारे साथ में खड़ा मिलता है, चाहे दुनिया कुछ भी सोचे, ठीक है। इन्हें कहते हैं कि एक तरीके से वो वाले लोग जो जिनको दुनिया से फर्क नहीं पड़ता है, बस भाई साहब हम लोग तो एक दूसरे के साथ में रहेंगे, लंगोटिया ना एक तरीके जय और वीर वाली जोड़ी, वही वाली जय और वीर वाली जोड़ी, सोरे वाली,
उस तरह की चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अभी 15th ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की इनकी मीटिंग हुई अभी, बायलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन जो कि इंडिया और इजराइल के देश में देखने को मिला। बायलेटरल का मतलब होता है जब दो कंट्री मिलकर आपस में काम करती है, ट्राइलेटरल का मतलब तीन मिल गए आपस में, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इनके द्वारा कॉम्प्रिहेंसिव 10-ईयर रोड मैप बनाने की बात की जा रही है। देखिए आप लोगों को भी जिंदगी में पता होना चाहिए कि आने वाले 5 साल में, आने वाले 10 साल में, फिर आने वाले 15 साल में अपनी जिंदगी को कहां देखना चाहते हो। तो इसका रोड मैप आप लोग भी बनाइए बैठ के, और ये ऐसा नहीं फिक्स होता है, ये चेंज होता रहता है सिचुएशन और कंडीशन के हिसाब से। तो इसी तरीके से जैसे 5-5 ईयर प्लान होते थे पहले हमारे देश के अंदर में, ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये डिफेंस के रिलेशन को आगे कैसे लेकर चलना है, उसके ऊपर काम करें, कैसे डिफेंस इंडस्ट्री में हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, उनके ऊपर भी ये काम कर रहे हैं। और इसराइल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पोस्ट बाला कोड स्ट्राइक के साथ में भी आप लोगों को देखने को मिला। पेट्रोलिंग और सर्विलेंस के हिसाब से अगर बात करें तो इसराइल ने हमारी काफी हेल्प करी मेकिंग इंडिया में, जो हम लोग डिफेंस के फील्ड में काम कर रहे हैं इसराइल हमारे साथ में है, और कारगिल के टाइम पर भी इसराइल ने हमारा साथ दिया था। तो इस तरीके से समझ सकते हैं ट्रस्टवर्दी पार्टनर है, यानी कि कभी भी दिक्कत में छोड़कर नहीं भागेगा, और ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर इसराइल की अगर लोकेशन देखोगे तो एग्जैक्ट इसराइल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर इंडिया के कंपेयर में देखना है तो आप लोगों को लेकर चलता हूँ उस प्यारे से मैप के ऊपर। यहाँ पर अगर आप लोग जाएंगे तो ये पर्टिकुलर अपना जो है प्यारी पृथ्वी हो गई, उन्हें कहते हैं अमीर खान बोलता है ई है हमारा गोला, ठीक है, तो ई है हमारा गोला। तो इस गोले में अगर आप लोग इसराइल को ढूंढोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये हो गया गोला, ठीक है, तो बेसिकली इस गोले पे हो गया इसराइल। तो इसराइल यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं। आगे यहाँ पर बात करेंगे एक पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में जिसको बोलते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये बेसिकली रिलीज करती है एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया रिपोर्ट। तो इसके द्वारा अगर बात करें तो बोला गया कि रिसेंटली अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा सुसाइड किया गया, और उसमें स्टूडेंट्स की संख्या काफी ज्यादा देखने को मिली। प्रोफेशनल भी थे, सैलरी वाले लोग भी थे, डेली वेज अर्नर भी थे, इसी के साथ में रिटायर्ड पर्सन भी थे, और अनएम्प्लॉयड भी थे, ठीक है। तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयड लोग जो है वो लगभग 11.65% थे, बाकी स्टूडेंट काफी ज्यादा थे। देखिए स्टूडेंट पे दो प्रेशर हो जाते हैं, एक तो जॉब नहीं मिल रही है, ऊपर से परफॉर्मेंस ढंग की नहीं आ रही है, ठीक है, तो सारी चीजें देखने को मिल जाती है। सोसाइटी का प्रेशर अलग से रहता है, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके चलते दिक्कत जो हुई तो उसका एक रिपोर्ट तैयार किया गया जिसको बोलते हैं एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया रिपोर्ट 2020। तो याद रखना यहां पर हमारी कंट्री में जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है ये बेसिकली यही देखता है किस तरीके से कहां कहां पर क्या क्या क्राइम हो रहे हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल होला वाला काम करता है, ओके, कि कहां कहां पर क्या क्या हो रहा है वहीं पर नजर रखता है, फिर बोलता है कि 20 रुपए दो तो बताऊंगा, ठीक है। मतलब बड़ी अच्छी सीरीज निकाली, सही है, एक तरीके से काफी अच्छी परफॉर्मेंस आप लोग देखते हैं, मेहनत करते हो तो रिजल्ट भी आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहां पर, तो बात की जा रही है कि डेली वेज जो बेसिकली वेजर है हाउस वाइफ हो गई, ठीक है, तो कई सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी, अलग अलग कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। तो एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड जो डेटा है ये बेसिकली इसके द्वारा कैटेगराइज किया गया था जो डेली वेज वर्कर है डेटा ओनली 2014 में। तो इसको भी यहां पर अब क्या किया जा रहा है, तो डेली जो वेजर है यहां पर उनको भी इंक्लूड किया जा रहा है। तो ये काफी इंपोर्टेंट चेंज यहां पर देखने को मिला। महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा सबसे ज्यादा सुसाइड किया गया, किसान या फिर जो वर्कर थे उनके द्वारा, और फिर आगे चलकर आप लोगों को कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी ये कंडीशन खराब होती हुई नजर आई। बाकी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये 1986 में बनाई गई थी, और नेशनल पुलिस कमीशन और इसी के साथ में ये जो हमारी कंट्री में अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का टास्क फोर्स है, इनके द्वारा काम किया गया, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, सेकंड क्राइम जो यहां पर बात करें तो सेकंड क्राइम एंड बेसिकली यहां पर जो सेकंड जो इसकी रिपोर्ट आई क्राइम एंड जो क्रिमिनल ट्रैकिंग जो नेटवर्क है जो यहां पर उसका सेकंड फंक्शन हुआ रिपोर्ट नहीं, ये बेसिकली यहां पर इसके साथ में मिलकर जो एक तरीके से हैकाथोन और साइबर चैलेंज भी आप लोगों को देखने को मिले जो कि न्यू दिल्ली में नजर आए यहां पर, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी इसके बारे में, तो हल्का सा आइडिया कम से कम आप लोग रख सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है एमजी नरेगा के बारे में, ठीक है। तो एमजी नरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या था रिसेंटली, अभी बहुत सारे लोग जो थे तो उनको बेसिकली उनका जो पैसा नहीं मिल पा रहा था, इसी के साथ में अलग से कैटेगराइज कर दिया कि ये एससी एसटी है, ये ओबीसी है, ये वो है, फलाना ढिमकाना, उनको अलग अलग पैसा दिया जाएगा। तो वैसे ही सोसाइटी डिवाइड है, तो यहां पर भी सोसाइटी का डिविजन देखता हुआ नजर आया, तो उसको हटाने की बात की गई और सबको एक ही पैमाने में रखने की बात की गई। ये इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है कि हमारी कंट्री में ये पहली स्कीम है जो कि सोशल ऑडिट के बारे में बात करती है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि राइट टू वर्क जो हमारे देश में दिया गया वो इसी स्कीम के द्वारा दिया गया, और वर्ल्ड में सबसे बड़ी एक ऐसी स्कीम है जो कि लोगों को इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है उससे चलते आप लोग ये बातें याद रखेगा, 2005 में बेसिकली यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिली, ठीक है। तो ये आया था, फिर आगे चलकर तब इसका नाम था नरेगा यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, फिर इसमें आगे चलकर महात्मा गांधी भी ऐड कर दिया, ठीक है, ताकि ये स्कीम को और ज्यादा ग्राउंड लेवल से कनेक्ट करके देखा जा सके। कई सारी इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं जो कि एग्जाम में भी पूछ ली जाती हैं।
एमजी नरेगा का कंट्रीब्यूशन कई सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कि गरीबी मिटाने का काम करता है, भुखमरी मिटाने का काम करता है, इसी के साथ में अच्छी हेल्थ रहेगी, इंसान को पैसा मिलेगा तो थोड़ा सा यार घर गृहस्थी में खर्चा कर लेगा, बच्चों की पढ़ाई भी इंसान करवा पाएगा, एक जेंडर इक्वलिटी देखने को मिलती है, महिलाओं को ज्यादा एक तरह सपोर्ट प्रोवाइड करा जाता है एमजी नरेगा के थ्रू। डिसेंट वर्क कंडीशन भी थोड़ी देखने को मिल जाती है क्योंकि इतनी सारे बेसिकली इसके लिए प्रोविजन बना रखे हैं ताकि माहौल वहां पर अच्छा बना रहे। इंडस्ट्री और इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी काम करता है और इनइक्वलिटी को भी रिड्यूस करने का काम करता है। तो एमजी नरेगा जो है ये टोटल मिलाकर 10 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इंप्लीमेंट करता हुआ नजर आता है अगर 17 में से आप लोग इसको काउंट करोगे तो इसलिए ये एक तरीके से काफी अच्छा प्रोग्राम वैसे भी माना जाता है। ओके, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है बेसिकली किसके बारे में, ये था बेसिकली एक तरीके से जो निमोनिया होता है उससे रिलेटेड बेसिकली यहां पर बात की गई थी। तो यहां पर न्यूमोकोकल बेसिकली यहां पर जिसको बोला गया न्यूमोकोकल ये वैलेंट कंजुगेट वैक्सीन, तो ये अभी यहां पर मार्केट में उतारी गई, तो ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत इसको भी इंक्लूड करने की बात की गई, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कैसे चीजों को सुधारने की कोशिश की जा रही है। और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है हमारे देश में स्टार्ट किया गया था बेसिकली 2009 में, फिर आगे चला और ज्यादा चीजें बढ़ी, हालांकि नाम चेंज किए गए इसके अलग अलग टाइम पे। अभी यहां पर मिशन इंद्रधनुष हम लोग फॉलो करते हैं, इसका अभी तीसरा एडिशन अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसमें क्या किया जाता है, बहुत सारी बीमारी इसके अंदर इंक्लूड की गई है, डायरा हो गया, देखिए इस तरीके की जो बीमारी है ना सारी, ये कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारी तो बच्चों से रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि पोलियो हो गया, मिजल्स हो गया, ठीक है, इसी के साथ में यहां पर पेर्टुसिस हो गया, ये डायरिया हो गया, ठीक है, तो ये कई सारी बीमारी है जो बेसिकली बच्चों का इम्यून सिस्टम बढ़ाने का काम करती है। इसी के साथ में यहां पर अभी रिसेंटली ऐड किया गया इसमें न्यूमोकोकल निमोनिया, ठीक है, इसी के साथ में जापानीज एंसेफेलाइटिस, तो ये भी बीमारी यहां पर ऐड की गई ताकि इनका भी टीकाकरण किया जा सके। तो इसलिए यहां पर ये और ज्यादा प्रोडक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव अब आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में बात की थी जिसका नाम था चिरबासा, तो चिरबासा कहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है, तो ये मैंने बताया था, तो बैंक ऑफ द भागीरथी जो रिवर है यहां पर कहां पर, ये गंगोत्री कहां पर, खासकर उत्तराखंड के अंदर में, तो वहां पर ये आप लोगों को देखने को मिला। तो याद रखेगा इसके बारे में गोमुख और जो तपोवन है बेसिकली उस पर्टिकुलर लोकेशन को बेसिकली यहां पर देखने को मिलेगा ये जो रूट है, खासकर कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं न्यूज में रहता है। तो इसमें दो पॉइंट है, एक तो बोला गया यहां पर चिरबासा और दूसरा यहां पर भुजबासा, ठीक है, तो ये फ्यू किलोमीटर अहेड आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो पता होना चाहिए। लोकेशन भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यहां पर जैसे ये हो गया भुजबासा, ठीक है, तो ये हो गया चिरबासा, तो इस तरीके से इसकी लोकेशन होगी यहां पर हिमालयन वाले रीजन में। आगे यहां पर बात की जा रही है इंडिया और फ्रांस के रिलेशन के बारे में, तो दोनों कंट्री जो है वो मिलकर काम कर रही है। खासकर अगर बात करें तो अभी रिसेंटली फ्रांस के साथ में थोड़ा धोखा हुआ, उन्हें कि एक तरीके से फ्रांस को धोखा दे दिया एक लंगोटिया यार ने लंगोटिया यार कौन था, वो लंगोटिया यार था ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया ने धोखा दिया फ्रांस को, तो फ्रांस का दिल टूटा, तो दिल टूटने के बाद में तो इंडिया फ्रांस का कंधा बना, ठीक है, तो वो कंधा जो है अभी बेसिकली फ्रांस को सपोर्ट कर रहा है और उस कंधे को भी फायदा होगा यहाँ पर, यानी कि हमको भी फायदा होगा अगर फ्रांस के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे रहते हैं। तो मैरीटाइम स्पेस और साइबर डोमेन में हम लोग काम करने वाले हैं, बेसिकली था AUKUS। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि AUKUS जो है वो रिसेंटली अभी एक ग्रुप बना है, ये ग्रुप ऐसा है यहाँ पर बेसिकली जिसमें ऑस्ट्रेलिया यूके और यूएसए एक साथ में मिलकर काम करते हैं, ठीक है, आप लोग इसमें जो एक्रोनिम है वो देख सकते हैं, ऐसे हो गया ऑस्ट्रेलिया यूके हो गया और फिर हो गया यूएसए, तो सबसे बाद में कौन आ रहा है, सबसे बाद में आ रहा है यूएसए, यानी कि एक तरीके से यहां पर बेसिकली यूके और ऑस्ट्रेलिया जो है यहां पर ये पहले आ रहा है और यूएसए सबको सपोर्ट करने वाला है, तो बीएस में सबसे बाद में आएगा। तो कई बार एक्रोनिम की एक तरीके से उन्हें इसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को हो जाता है। तो इंडिया मिलकर काम करेगा फ्रांस के साथ में, उसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि इंडियन ओशन के अंदर जब आप लोग आकर झांकोगे तो आप लोगों वहां पर देखने को मिलेगा फ्रांस का एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं रीयूनियन आइलैंड। तो रीयूनियन आइलैंड की वजह से फ्रांस ये बोलता है कि भाई साहब मैं तो तुम्हारे देश के साथ में बेसिकली मतलब याराना है पुराना, क्योंकि हम भी यहीं से ही बेसिकली मिलते जुलते हैं। ठीक है, तीन एक्साइज थी मैंने आप लोगों को बताई थी, यहां पर बेसिकली इनके बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं। एक्साइज शक्ति आर्मी है बेसिकली की एक्साइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में। वरुणा यहां पर ये नेवी की देखने को मिलेगी और गरुड़ा यहां पर एयरफोर्स की देखने को मिलेगी। तो धरती पर ही शक्ति दिखा सकता है इंसान, हवा में तो दिखाएगा नहीं, ठीक है, बारिश में भी दिखाएगा, तो शक्ति आर्मी की होगी। ठीक है, तो वरुण कैसे याद रखोगे, तो यहां पर ये नेवी की होगी, वरुण एक तरीके से जो बारिश कराते हैं वरुण देवता। ठीक है, और गरुड़ा क्या हो गया, ये उड़ने वाला है, तो ये एयरफोर्स की होगी। तो कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए कि आप लोग गरुड़ा को बोल दो कि नेवी की है और वरुणा को बोल दे एयरफोर्स उसकी आर्मी की है, तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो, कई बार मैच करने के लिए क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन भी मैंने आप लोगों को बताई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये है बेसिकली शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये काफी अच्छा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर इंडिया और पाकिस्तान कहीं जाकर दो जगह मिलकर बातें करते हैं, और तो कहीं मौका मिलता नहीं है, पर हाँ इसमें जरूर मौका मिल जाता है हम लोग को, वो अलग बात है कि हम लोग बात नहीं करते हैं। तो इसकी 19th जो मीटिंग है अभी यहां पर आप लोगों को न्यू दिल्ली में देखने को मिली। तो इसमें सबसे बड़ी जो बात की गई वो की गई ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर।
ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है, जब किसी पर्टिकुलर पर्सन को गलत तरीके से कहीं से पकड़कर और उसको किसी गलत एरिया में जहां पर उसका इंटरेस्ट भी नहीं है उसमें उसको धकेला जाता है। जैसे बच्चों को भीख मंगाने का काम करा दिया, महिलाओं को देह व्यापार का काम करा दिया, तो ये सारी जो है प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में महिलाओं को धकेल दिया, तो ये सारी गद्दी हरकतें जो की जाती है तो उसको रोकने की काम यहां पर की जा रही है। ठीक है, तो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये बातें आप लोग याद रखिएगा। बेसिकली करंट जो इसका चेयरपर्सन है वो है तजाकिस्तान आज की डेट में। तो ये शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो आप लोग कई बार कंफ्यूजन में हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन में नहीं आना है, नाम में शंघाई है पर लेकिन हेडक्वार्टर कहां पर, हेडक्वार्टर बीजिंग में है। ठीक है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो पार्ट थर्ड में आप लोगों को आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर ये सारी चीजें आप लोगों को नजर आती हैं। तो इसके अंदर बेसिकली 23 और 24 जो होता है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन के बारे में बात करते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा भी बन जाता है। तो हमारी कंट्री में भी कई सारे ऐसे रूल और रेगुलेशन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और याद रखते हैं, RATS इसको बोलते हैं रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ये ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली टेररिज्म के बारे में बात करती है और इसका हेडक्वार्टर बेसिकली बीजिंग में नहीं है, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसका हेडक्वार्टर ताशकंद उज्बेकिस्तान में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब ये ताशकंद इसलिए भी आप लोग याद रखें ना क्योंकि हमारी कंट्री के जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी जो डेथ हुई थी वो ताशकंद के अंदर हुई थी उज्बेकिस्तान में। तो उससे कनेक्ट कर आप लोग याद रखते हैं कि हाँ टेररिज्म की वजह से उनकी डेथ होगी, ऐसा कुछ कनेक्ट कर लीजिएगा। पर कॉन्स्पिरेसी कुछ और ही थी वहां पर, वो सब चीजें अलग है, पर हाँ इतना इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन आना बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो मुद्दा निकल कर आ रहा है, अभी हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा एक स्टेप उठाया गया जिसकी वजह से कई सारे जो लोग हैं उनको दिक्कतें देखने को मिली। क्यों? क्योंकि हरियाणा जो एक तो NCR में आता है, ठीक है, और यहां पर काफी सारी कंपनियां, अगर गुरुग्राम में आप लोग बात करिए तो गुरुग्राम के अंदर यानी कि जो गुड़गांव है उसके अंदर आप लोगों को बहुत सारी कंपनी नजर आएंगी। तो उसके चलते अभी क्या किया गया हरियाणा के द्वारा, उसके द्वारा ये बोला गया कि जो भी यहां पर 75% जो इंप्लॉई रहेंगे उस कंपनी के अंदर जिसमें 10 या फिर 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं और जिनकी सैलरी 30,000 से नीचे है, वो सारे के सारे इंप्लॉई जो रहेंगे 75% वो हरियाणा गवर्नमेंट के रहेंगे। यानी कि 25% आप लोग कहीं और से लेकर आ सकते हैं, बाकी का हरियाणा गवर्नमेंट से रहेगा। और ये सारे के सारे आप लोगों को अपडेट भी करने पड़ेंगे रेगुलर जो हरियाणा गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट है उसके ऊपर। तो इससे दिक्कत क्या हो रही है, इससे दिक्कत ये हो रही है कि कल को चलकर कई सारी कंपनी जो है उनका यहां पर एक्सोडस हो सकता है, यानी कि यहां से वो निकलकर जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से उनको लोग लेने पड़ेंगे हरियाणा गवर्नमेंट के हिसाब से। तो इसके चलते कई सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती है। चलिए वो तो अपनी जगह है, पर लेकिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये चार आर्टिकल जरूर हो जाते हैं। आर्टिकल 14 बेसिकली बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ इररेस्पेक्टिव ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि ये गलत बात है, आप लोग हरियाणा के लोगों को ले रहे हो, संविधान इसके बारे में मना ही करता है, पर हरियाणा ये बोल देगा मैं अकेला तो कर नहीं रहा हूं और भी कई सारे राज्य कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं क्या मुद्दा निकल के आता है। आर्टिकल 15 बोलता है कि डिस्क्रिमिनेट मत करो यार प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर आप लोग कर रहे हैं। आर्टिकल 16 भी बोलता है कि आप लोग डिस्क्रिमिनेट मत करो प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर, खासकर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आप लोग फिर कर रहे हो। आर्टिकल 19 बोलता है कि फ्रीली मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द टेरिटरी, आप लोग उसको भी कहीं ना कहीं यहां पर हैम्पर कर रहे हो। तो फंडामेंटल राइट के अंदर जब आप लोग जाएंगे पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, तो ऐसी हरकतें आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जा रही है। तो इसको बेसिकली रोकने की जरूरत है यहां पर, कहीं ना कहीं ऐसी बातें हमारा संविधान बोलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये काफी एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है सर्दियों के टाइम पर, हालांकि अभी फिलहाल काफी ज्यादा ये सुधर गई है, पर लेकिन फिर भी कई सारे एरिया में दिक्कत बरकरार रहती है। पोल्यूशन, खासकर स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग क्या होता है, जो घास फूस को जलाया जाता है, बेसिकली इसको पराली बोलते हैं, पराली को जब जलाया जाता है खेतों के अंदर में तो उससे धुआं जो निकलता है उसकी वजह से दिक्कतें निकल कर आती हैं। तो ये बोला गया है, अभी यहां पर एक स्टडी की गई तो उसमें ये बोला गया कि स्टबल बर्निंग की वजह से यहां पर लंग के अंदर यहां पर बेसिकली इंफेक्शन देखने को मिलता है काफी लार्ज स्केल पर, तो उसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आ गया। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत याद रखिएगा। तो स्टबल बर्निंग को इसीलिए रोकने की कोशिश की जाती है ताकि कोई दिक्कत ना देखने को मिले, और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इसके बारे में बातें करता है। ठीक है, तो बोला यह जाता है कि यार कुछ ऐसी चीजें यूज कर लो, पूसा डिकम्पोजर आप लोग यूज कर लो, बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन है अल्टरनेटिव उनको यूज कर लो, पर यहां पर ये इसको जलाना नहीं चाहिए। इसकी वजह से जो जमीन है उसको भी नुकसान देखने को मिलता है, क्योंकि जब जमीन के अंदर यहां पर जो भी कीट पतंगे होंगे, जैसे केंचुआ हो गया, ठीक है, तो जमीन का एक तरीके से खेतों का मित्र बोला जाता है, तो उसको भी यहां पर एक तरीके से उसकी कहानी खराब हो जाएगी अगर ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिनको सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, तो इसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। तो ये बोल रहा है बेसिकली यहां पर अभी बोला जा रहा है कि कंट्रोल उदय कंट्रोल। ठीक है, तो कोई ऑल्टरनेटिव देख लेते हैं इसका। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो काफी ज्यादा न्यूज में आप लोगों से पूछा जा सकता है, अभी इसके बारे में बात भी चल रही है कि अरुणाचल प्रदेश के द्वारा यहां पर अभी ये रिकॉग्नाइज कराने के लिए कि हाँ भाई साहब ये पड़ोस में चाइना के हमारा गांव है,
कल को चाइना आकर यहाँ पर बदतमीजी नहीं फैलाने लगे। तो ये काहो करके यहाँ पर एक विलेज है, ठीक है। तो ये काहो विलेज में बेसिकली यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि इस पर्टिकुलर विलेज को 75 साल हो चुके हैं इंडिपेंडेंस के, तो यहाँ पर इसको अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, तो यहाँ पर इसके लिए एक एक तरीके से डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आ गया है, ठीक है। तो काहो जो है फर्स्ट विलेज था जो चाइना बॉर्डर पर आप लोग को देखने को मिलेगा, ये एंजुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें और 11 डिस्ट्रिक्ट आप लोग को देखने को मिलेंगे। आप लोग जिस भी राज्य से आते हैं उस राज्य में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं आप लोगों को पता है, पता होना चाहिए, नहीं पता है तो जाकर सर्च कीजिएगा। इसी के साथ में यहाँ पर ये बात करें इसके बारे में, तो लगभग 65 के करीब लोग यहाँ पर रहते हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात की जा रही है। तो हल्की सी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ज्यादा रटना नहीं है, तो हल्का सा याद आप लोग रख सकते हैं इसके बारे में। लोहित रिवर है बेसिकली यहाँ पर, जहां पर एक तरीके से डिवीजन आप लोग को देखने को मिलेगा इसके पास में, तो अरुणाचल प्रदेश में लोहित रिवर भी आप लोग को देखने को मिलेगी, और ये सारी कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्र रिवर से जाकर चीजें कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। आगे बात करें, ये भी एक इंटरेस्टिंग न्यूज थी यहाँ पर बेसिकली, अभी क्या हुआ, गोडेस अन्नपूर्णा, तो अन्नपूर्णा जो देवी की एक स्टेचू है, ये रिसेंटली अभी कनाडा के द्वारा हमारी कंट्री को रिटर्न की गई, और ये लगभग 1913 में चोरी कर यहाँ पर ले जाई गई थी कनाडा के अंदर में। तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन चल रही है, तो किस तरीके से, इस तरीके से साउथ इंडिया में काफी एक देखने इसके ऊपर मूवी बनी थी, अभी व्यापार बन चुका है, जिसमें इस तरीके से स्टेचू को चुरा चुरा कर ले जाया जाता है और बेचा जाता है। अभी सर अरशद वारसी को भी मिलाकर मूवी बनाई गई थी ना, कुछ ऐसी इसी तरीके की, ठीक है। अरशद वारसी था शायद उस मूवी में, आई थिंक, कि यहाँ पर इस तरीके का व्यापार यहाँ पर किया जाता था। तो काशी विश्वनाथ जो टेंपल है यहाँ पर बेसिकली कहाँ पर, बनारस के अंदर में, तो वहां से इसको चुराया गया था, और ये बेसिकली लोड शिवा से कनेक्टेड है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ लिया जाता है कि एक हाथ में क्या है, बेसिकली एक हाथ में आप लोग को यहाँ पर खीर का ये कटोरा आप लोग को देखने को मिलेगा, और दूसरे हाथ में स्पून है। तो ये बोला जाता है कि यहाँ पर कई बार इस तरीके के ये जो हिस्ट्री में जो कल्चर का पोर्शन होता है ना, वहां पर ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों से कई बार पूछ ली जाती है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें, इनके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को इन चीजों के रिलेटेड। तो इसलिए थोड़ा सा डिटेल में ऐसी ऐसी चीजें अगर कवर कर लोगे तो लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाओगे, ठीक है। तो यह है इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या चीज है। देखिए जहां पर भी कोई भी कंफ्यूजन हुआ करे ना, उसको पूछ लिया करो, या फिर जो रेगुलर वीडियो होती है थोड़ा उनको देख लो, तो आप लोगों को कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आगे यहां पर एक और रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको FAO आप लोग बोलते हो, इसके द्वारा रिलीज किया गया डेटा। बेसिकली यहां पर अगर बात करें तो यहां पर बेसिकली फूड प्राइस इंडेक्स, तो फूड प्राइस इंडेक्स यानी कि फूड का क्या प्राइस रिसेंटली अभी रहा है, तो उस इंडेक्स में इनके द्वारा यह बताया गया कि यार फूड का प्राइस जो है रिसेंटली अभी बढ़ गया, इनके इन्फ्लेशन बढ़ गया, इनके महंगाई बढ़ गई है। तो इन्फ्लेशन मतलब इनके महंगाई बढ़ गई है, तो महंगाई के बढ़ने की वजह से यहाँ पर ये दिक्कत है आप लोग को देखने को मिलेगी। तो फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1996 में। फूड प्राइस यानी कि आप लोग तेल भी आप लोगों ने देखा होगा ना, अभी घरों में जो आप लोग तेल यूज करते हैं बेसिकली सब्जी बनाने के लिए खासकर, तो उसका प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गया था, तो उसके चलते भी दिक्कतें देखने को मिली। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम निकल कर आती है, खासकर जो सोसाइटी का वो तबका है जो यहाँ पर इन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है काफी हद तक, हालांकि सभी खाते हैं पर लेकिन फिर भी जिनके पास में एक तरीके से कि एक घर में बस मिला जुला के 5-7 हजार रुपए की कमाई होती है, पूरा महीना उसमें निकालना होता है, तो दिक्कतें हो जाती है अगर ये छोटे छोटे सामान भी जो है वो महंगे हो जाते हैं, ठीक है। उनकी तो अलग बात है जो कि रईस खानदान के लोग हैं, पर लेकिन सोचना उनके बारे में जो गरीब तबका है सोसाइटी का। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा भी रिलीज किया गया, यहाँ पर टाइटल क्या था यहाँ पर इसका, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडिल, ठीक है। तो ये जो बेसिकली नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया और इंश्योरेंस के ऊपर फोकस देने की कोशिश की गई, तो इंश्योरेंस जो बेसिकली आप लोग स्वास्थ्य बीमा बेसिकली बोल सकते हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस को कवर करने की बात की गई। अगर आप लोगों को लगता है कि इंश्योरेंस लेना चाहिए, लगता क्या है हेल्थ का इंश्योरेंस आप लोगों को हमेशा लेना चाहिए, पता नहीं किसी इंसान को क्या बीमारी हो जाए और बहुत कम प्रीमियम पे होता है ये, ठीक है। एक तो होता है कि आगे चलकर आप लोगों को पैसा मिलेगा, वो तो कई सारी फालतू की चीजें होती है, पर हाँ हेल्थ का इंश्योरेंस आप लोग जरूर लीजिए, खासकर एक्सीडेंटल वगैरह अगर आप लोग गाड़ी वगैरह बाइक वगैरह चलाते हैं तो इससे काफी ज्यादा फायदा रहता है। कई बार बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, तो वो नहीं कहते कि एक तरीके से कि इससे पहले की बर्डन पड़े, एक तरीके से कोई ऐसी दुर्घटना घटे तो पहले इंसान को सचेत हो जाना चाहिए। हमारी कंट्री में काफी कम लोग इन सब चीजों पर विश्वास करते हैं, तो इसलिए यहां पर इन चीजों को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो उसी के बारे में बातें की जा रही है। तो ये उसी से रिलेटेड यहां पर ये रिपोर्ट बेसिकली तैयार की गई। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर अभी हमारी कंट्री में जो आप लोग आधार कार्ड यूज करते हैं उसको बोलते हैं बेसिकली आधार कार्ड, और ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ये UIDAI के द्वारा, ठीक है। तो UIDAI की फुल फॉर्म क्या है, इसको बोलते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कई बार इसका डेटा भी चोरी हो जाता है, वो एक अलग बात है, ये डेटा सिक्योर नहीं रख पाती है, तो इसकी वजह से यहाँ पर केस निकल कर आया था, KS पुत्तास्वामी केस। तो KS पुत्तास्वामी केस जो था 2017 में आया, और उसी से जो फंडामेंटल राइट बनाया गया आर्टिकल 21 के तहत वो प्राइवेसी को, वो यहीं से बनाया गया, क्योंकि आधार कार्ड का डेटा चोरी हो रहा था। तो KS पुत्तास्वामी साहब जो थे, जो फॉर्मर जज थे,
तो उनको लगा यार ये तो गलत बात हो रही है। तो उसी के चलते एक कमेटी भी आई हमारे देश से फिर आगे चलकर, जिसको बी एन श्री कृष्णा कमेटी बोला गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें बनी जिसके चलते चीजें चल रही है, पर हाँ एक अलग बात यह कि अब तक चीजों को इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो ये UIDAI बोल रही है कि यार ऑलरेडी हमारे लिए एक एक्ट है जिसको आधार एक्ट आप लोग बोलते हैं, वो आधार एक्ट हमारे देश में लाया गया, वो भी गलत तरीके से बनाया गया, इसको बेसिकली मनी बिल की तरीके से प्रेजेंट किया गया था, ठीक है। तो उसके चलते भी क्रिटिसिज्म इसका देखने को मिला था। तो यहां पर अगर बात करें तो बोला यह गया कि ऑलरेडी एक्ट है आधार एक्ट, तो ये आधार एक्ट क्या काम करता है, ये ऑलरेडी पूरा UIDAI को बेसिकली टारगेट करता है। अब आप लोग एक और हमारे सर पर एक इंसान को बैठा दो, यानी कि डेटा प्रोटेक्शन बिल, तो यार हम तो काम ही नहीं कर पाएंगे, उन्हें कहते हैं हम तो बिल्कुल मर ही जाएंगे, तो फिर कैसे काम कर पाएंगे। तो उसको सुधारने की बात कर रहे हैं यहां पर। चलिए देखिए सुधरता है नहीं सुधरता है, पर हाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा इन चीजों के बारे में, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज आना नहीं है। एक इंपॉर्टेंट स्कीम है यहां पर पीएम सेवा निधि बेसिकली इसको बोलते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर वेंडर आत्मनिर्भर निधि बेसिकली पीएम सेवा निधि ये लॉन्च की गई थी किस मिनिस्ट्री के द्वारा, ऐसे क्वेश्चन कई बार स्टेटमेंट की फॉर्म में बनते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। तो ये जो स्कीम है यहां पर ये बेसिकली जो एक तरीके से गांव में एक तरीके से रेडी लगाने वाले, एक तरीके से यानी सड़कों पर सामान बेचने वाले जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं उनको ये 10,000 का कोलेटरल फ्री लोन देने की बात की गई। कोलेटरल फ्री मतलब कोई भी चीजें सामान आप लोगों को गिरवी नहीं रखना है ये लोन लेने के लिए, और इसको इतना अफोर्डेबल बनाया गया ताकि आप लोग आसानी से इसको रिटर्न भी कर सको। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो थे वो आगे निकल कर आए इस एरिया में काम करने के लिए। तो इन सबके द्वारा इस एरिया में मिलकर काम किया गया। तो ये कई सारे मुद्दे थे जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों से बड़ा ही एक प्यारा सा आर्टिकल डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा डायनासोर वाले, डायनासोर का जो आर्टिकल था मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे जैसे इंसान पहले हुआ करते थे तो इंसानों के पीछे पूंछ हुआ करती थी, तो पूंछ चेंज हो गई तो आज की डेट में हमको उसको जरूरत नहीं पड़ी, पहले उसकी जरूरत थी बेसिकली जिस तरीके से जानवर हुआ करते थे, उन्हें रीढ़ की हड्डी से पहले जैसे जानवर सीधे होते हैं तो उस तरीके से रीढ़ की हड्डी रहती तो पूंछ भी उससे कनेक्टेड रहा करती थी। अब इंसान सीधे खड़े होने लगे तो पूंछ का बेसिकली सिस्टम गायब हो गया। पर लेकिन अगर डायनासोर के बारे में बात करें तो ये भी टाइम टू टाइम डेवलप हुए हैं। कभी आप लोगों को देखने को मिलता है जमीन पर चलते, फिर दो पैर पर आ गए, फिर पक्षी की एक तरीके से माना जाता है कि कई बार तो जो पक्षी होते हैं ना आज की डेट में वो इनके पूर्वज जो है वो डायनासोर है। कई बार तो ऐसी भी चीजें बोली जाती है कि इससे बेसिकली पक्षी बन गए। अगर बात करें कई बार पृथ्वी पर ऐसा हुआ है टाइम टू टाइम जिसकी वजह से बहुत लार्ज स्केल पर चीजें जो है धरती पर से खत्म हो गई हैं, बहुत सारे जीव जंतु, और इनको अलग अलग नाम से पुकारा गया है, ठीक है। जैसा मैंने आप लोगों को यहां पर बताया था कि पहला मास एक्सटेंशन जब हुआ इसमें लगभग 85% यानी कि 85% धरती पर जो जीव जंतु थे ना उनकी कहानी खत्म हो गई थी। तो ये लगभग 445 मिलियन ईयर एगो हुआ था, तो ये काफी पुराने टाइम थे। तो मैंने सेकंड बताया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सारे बताए, पर लेकिन ये सारे जो थे ये बहुत पुराने थे। अभी रिसेंटली जो अभी चल रहा है, जो हरकतें हमारे द्वारा की जा रही है वो सबसे खतरनाक है, और उसी के बारे में आप लोगों से बात की थी, ठीक है। तो उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इसको सिक्स्थ मास एक्सटेंशन बोला जा रहा है, और इसको बेसिकली क्या बोला गया, इसको बोलते हैं एंथ्रोपोसिन। एंथ्रोपोसिन, एंथ्रो क्या होता है यहां पर, ये होता है इंसान, यानी कि हम जैसे इंसान, हमारे द्वारा जो हरकतें की जा रही है, तो इसकी वजह से ये मास एक्सटेंशन अभी देखने को मिल रहा है। और बोला ये जा रहा है कि जितनी गंदी हरकतें हम लोग यहां पर कर रहे हैं ना उसकी वजह से हरकतें इतनी सारी होने वाली आने वाले टाइम में कि वो रिवर्सल भी नहीं होंगी, इस लेवल पर हम लोग बर्बादी कर रहे हैं। पानी इतना गंदा कर दिया है, एयर इतनी पोल्यूट कर दी है, मतलब जमीन इतनी एक तरीके से जहरीली बना दी है कि आज की डेट में इसमें से खुद ही खा खा के जो सामान उगाते हैं हम लोग अपने आप खुद मरने वाले हैं। और एक टाइम पर ऐसा था कि इंसानों की जनसंख्या वो लिमिटेड थी, अब तो इंसान की क्या होगी, यानी कहते हैं कि जितने घर में लोग रहेंगे काम करने वाले वही बातें हैं कि इंसान में एक तरीके से इंडिया के अंदर में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है, कई बार तो बोलते हैं कुकुर मुत्ते की तरीके से कि इंडिया वालों को कोई काम नहीं है क्या। तो हमारा देश जो होता है इतनी फास्ट पेस पर बढ़ रहा है आगे आज के डेट में कि आज के डेट में चाइना को जल्दी ही रिप्लेस हम लोग करने वाले हैं, और हमारे नाम ये उपलब्धि आने वाली है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री कोई है तो वो है हमारा प्यारा देश, ठीक है। तो देखने की बात यह कि हम लोग हालांकि इसके ऊपर कंट्रोल भी कर रहे हैं, कई सारे राज्य अभी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए पॉपुलेशन बढ़ना ये गलत बात नहीं है, चलो पॉपुलेशन बढ़ रही है ठीक है, वो हर एक इंसान की अपनी अपनी चॉइस है, पर लेकिन पॉपुलेशन भी ऐसे बढ़े ना, मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हो गया, अब उस बच्चे को ना तो एजुकेशन मिल रही है, ना उस बच्चे को हेल्थ मिल रही है, ना उस बच्चे को पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं, ना खाने के लिए ढंग से खाना मिल रहा है, वो कुपोषण का शिकार होता जा रहा है, कईयों के जैसे वेट घटते जा रहे हैं, ठीक है। तो कई सारी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलती है, तो पता चला कि खाना नहीं मिल रहा है, कई कई दिन तक इंसान भूखे पड़े हुए हैं, तो उसकी वजह से क्या दिक्कतें निकल कर आती है, फिर दिक्कतें ये रहती है कि अब यहां पर जब इस तरीके से वेट घटना स्टार्ट होगा, कुपोषण का शिकार होगा, तो आगे कैसे वो इफेक्टिवली काम कर पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले इस चीज के ऊपर फोकस देने की जरूरत है कि इंसान को कुपोषित होने से बचाना है, और वो तब होगा जब रिसोर्स अवेलेबल होंगे, तो ये सारी चीजें जरूरी हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलती है
जो कि हम लोग बेसिकली आज के दिन बर्बाद किए जा रहे हैं। पहले बहुत सारे अलग अलग पक्षी आप लोगों को देखने को मिलते थे, उन्हें पटबीज ने बोलते थे बेसिकली हमारे साइड में, वैसे उसको जुगनू बोलते हैं। आज के डेट में आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी के साथ में तोते कहीं कहीं आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे पक्षी, मतलब छोटी छोटी चिड़िया देखने को मिलती थी बहुत सारी, आज के डेट में रेयर देखने को मिलती है। मधुमक्खी बड़ी फ्रिक्वेंटली देखने को मिल जाती थी, ठीक है। इवन आप लोगों को बहुत सारी ऐसी जो आप लोग नॉर्मल लाइफ में भी देखा करते थे ना, अगिलहरी भी गांव गांव में कहीं जाएंगे तो देखने को मिल जाती है, वो भी इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं दिखती आज के डेट में। वरना मुझे अब भी याद है जब मैं गांव में बैठकर नीम के पेड़ के नीचे मतलब चारपाई डालकर बैठ के पढ़ा करता था, तो उस पे कई बार जो चारपाई का जो पाया होता था इस पे चढ़कर एक तरीके से हो गई है, खाट हो गई, चारपाई हो गई। ड्रॉइंग मेरी बड़ी धांसू है, ठीक है, तो मैंने इस कर लेना थोड़ा सा। तो उसमें चढ़कर कई बार यहां से ऐसे निकल के इससे उतरकर चली जाती थी, ठीक है। तो इतनी डेयरिंग बेसिकली कई बार इतनी डेयरिंग बाज होती थी गिलहरी, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती थी। तो कहने का मतलब ये कि अब ये सारी चीजें आप लोगों को नहीं देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं इंसानों की जो हरकतें हैं वो यहां पर ऐसी इस तरीके से माहौल क्रिएट कर रही हैं कि सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि जमीन को किस तरीके से हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे हैं, तो देखते हैं कब तक चीजें सुधरेंगी। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात करेंगे टॉय ट्रेन के बारे में। टॉय ट्रेन वो भी एक नहीं है, तीन तीन टॉय ट्रेन, तीन तीन कौन कौन सी है इनके बारे में आप लोग याद रखना। बेसिकली तीनों के बारे में क्वेश्चन बन जाता है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है एक तो, ठीक है, एक है नीलगिरी हिमालयन जो बेसिकली नीलगिरी माउंटेन रेलवे, और तीसरी यहां पर कालका। एक तो तीनों के बारे में इंपॉर्टेंट मुद्दा ये याद रखेगा कि तीनों की तीनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। एक बनी 1999 में, सबसे पहले वो है दार्जिलिंग वाली, ये कहां पर है, ये है वेस्ट बंगाल के अंदर में, ठीक है, यानी कि ममता बनर्जी जी वाली जो ट्रेन है। ओके, ममता बनर्जी जी वाली नहीं है, मतलब वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल के अंदर आती है, ठीक है, दार्जिलिंग वाले एरिया में। आगे बात करते हैं नीलगिरी माउंटेन, तो ये तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेगी, और एक बात करते हैं यहाँ पर कालका, ये आप लोगों को बेसिकली हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो याद रखने के लिए याद रखते हैं कि दार्जिलिंग वाली ममता बनर्जी जी की हो गई, और तमिलनाडु वाली जयललिता जी की, अब तो हमारे बीच में नहीं है। अगर बात करें कालका जो शिमला वाली रेलवे स्टेशन है उसको अपने हिसाब से याद कर लेना, ठीक है। शायद यहाँ पर कोई फीमेल चीफ मिनिस्टर रही है, आई डोंट थिंक सो, कि चेक कर लेना अगर आप लोगों को, तो मतलब याद रखना, याद रखने के लिए आप लोग बेसिकली तिकड़मबाजी लगा लेना जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे। अभी हुआ क्या है, हुआ यह कि इसके नाम का लोगो तैयार किया गया, हम लोग अपनी टॉय ट्रेन को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमारे लिए काफी एक ऐसा है कि अपनी आइडेंटिटी दिखाने का ये काम करेगा। तो अगर कोई ऐसा हम लोग कहीं पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ये होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, बेसिकली वो यहाँ पर ये काम करती है, उसके तहत हम लोग चीजों को रजिस्टर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, यहां से निकल कर आती है, तो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज हो गया, इसके बारे में एक मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन रखेगा। और यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है, यहां पर ये बनाई कब से कब तक गई थी अगर बात करूं इसके बारे में, तो ये 1879 से लेके 1881 तक आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो बेसिकली वेस्ट बंगाल में इसको तैयार किया गया, दार्जिलिंग टॉय ट्रेन। तो इसी के चलते अब इसकी पहचान कुछ ऐसी हो जाएगी, जैसे यहां पर रहतियान रेलवे है जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर आती है, तो उनके तरीके से उनके लोगो वगैरह प्रस्तुत किए जाते हैं। और हमारे देश में अगर लोगों को आप लोगों को बेसिकली बात करनी है तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, जैसे कि हमारी कंट्री में कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए काम करती है, तो ये याद रखिएगा कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, ये यूनियन मिनिस्ट्री कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। तो ये भी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हो जाती है, कई बार ना स्टेटमेंट देकर आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो कंफ्यूज आना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आप लोगों से बात की थी, ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज थी बेसिकली, किस तरीके से कि हमारे देश में अभी जो पंजाब पुलिस है उसने बोला बेसिकली नितिन गडकरी जी को कि देख यार नितिन भाई, आज के डेट में बहुत सारे लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, तो यहाँ पर क्यों ना हम लोग आज के डेट में जो डे सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड पेडेस्ट्रियन जो डे है यहाँ पर, वो बेसिकली हम लोग सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दें 19th of November को, ठीक है। क्यों? क्योंकि 19th of November को जो है बेसिकली एक तरीके से बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है, और गुरु पर्व के तौर पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं गुरु नानक देव जी की, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये बेसिकली एक तरीके से राइट टू वॉक की बात की जा रही है इसके थ्रू यहाँ पर, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन भी मैंने आप लोगों से शेयर की थी, तो कंफ्यूज आना नहीं है। बाकी आप लोगों से जो भी क्वेश्चन बने माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो अच्छे से याद रख पाओगे। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर ये बेसिकली मैंने आप लोगों से जो बात की थी, यहाँ पर जो था एक सिस्टम ये था कि हम लोग अपने देश में एक जो जहाज था लड़ाकू जहाज, उसका नाम हम लोग क्या रख रहे हैं, तुसिल, ठीक है। तो तुसिल नाम रख रहे थे, ये तुसिल कहां से निकल गया, ठीक है। तो तुसिल, सुशील नहीं तुसिल, तो याद रखना इसको, इसको बोलते हैं संस्कृत में प्रोटेक्टर या शील्ड, तो यहां से इसका निकाल कर नाम ले गए। और ये सारी चीजें ऐसी कोई खतरनाक चीजें, जहाजी लड़ाई, दंगे, मिसाइल, ये सारी चीजें जो जहाजी जो एक तरीके कोई है, जहाज का कोई बेड़ा हो गया खासकर लड़ाई वाला, कोई टैंक हो गया, कोई मिसाइल हो गई, ये सारे हमको कौन देता है, तो ये सारे हमेशा दोस्त देता है, ठीक है। कभी भी आप लोगों को नॉर्मल इंसान ऐसी हरकतें नहीं करेगा, इस तरीके की चीजें नहीं देगा, दोस्त हमेशा आप लोग के हाथ में चाकू और बंदूक पकड़ा देगा कि ले मार के आना, छोड़ के मत आना, अगर छोड़ के आता मैं तुझे मारूंगा, ठीक है। तो रसिया ये काम करता है आप लोगों के लिए, तो रसिया हमेशा आप लोग ऐसे सामान प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है, तो ये हमेशा जहाज जो
लड़ाई का सामान होगा रशिया देता है, क्योंकि रशिया के साथ में फ्रेंडशिप ट्रीटी हमारी थी, उसके चलते रशिया लंबे समय से हम लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। तो यहीं से ही इसके चलते रशिया और इंडिया मिलकर काम करें, तो अभी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भी हम लोग यहां पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होगी बेसिक इन्फॉर्मेशन। आगे बात करते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री में। अभी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, जो बेसिकली अजीत डोभाल साहब यानी कि जेम्स बॉन्ड 007 इंडिया के, तो उनके द्वारा क्या किया गया, बेसिकली अभी यहां पर एक मीटिंग बुलाई गई अफगानिस्तान के बारे में। तो अफगानिस्तान को एक तरीके से कैसे आगे लेकर चलना है, हम तो चलेंगे नहीं, चलेंगे तो तालिबान वाले लेकर, पर हम लोग थोड़ा सा एक नजर रख सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि पड़ोसी देश है तो पड़ोस में कोई दंगे फसाद नहीं होने चाहिए ना, हमारे देश में शांति की बात आ जाती है। तो इसके चलते इसके बारे में बात की जा रही है, तो उसी के चलते एक मीटिंग बुलाई गई, तो उसमें अभी चाइना और पाकिस्तान ने आने से मना कर दिया। पाकिस्तान तो साफ साफ कह रहा है ऐसा है अफगानिस्तान का मुद्दा है, मैं अपना आप सुलझा लूंगा, बीच में मत आना, ठीक है। इंडिया कह रहे हैं भाई साहब हम तो ना छोड़ेंगे, ऐसे थोड़े ना जाने देंगे, ठीक है, नहीं हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, पाकिस्तान वो काम करना चाह रहे हैं। इंडिया कह रहा है कि तुम डूब जाओ भले, अफगानिस्तान को ना डूबने देंगे हम, क्योंकि हमने बहुत इन्वेस्टमेंट किया यार वहां पे। तो वो वाली चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां से। तो उसी के चलते मीटिंग थी यहां पर कि कैसे शांति बनानी है और कैसे वहां पर जो जनता आज के दिन में त्राही माम में है, बेसिकली खाने के लिए खाना नहीं मिला है, बहुत सारी दिक्कतें, उसको कैसे सुधारना है, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ओके, आगे चलते हैं, यहां पर नेक्स्ट बात की जा रही है ग्लोबल ड्रग जो बेसिकली पॉलिसी है, उसके लिए अभी एक इंडेक्स प्रस्तुत किया गया। तो देखिए ऐसी ऐसी बातें कब देखने को मिलती है, उन्हें एक तो कैसे ऊपर कंगाली में आटे गिले वाली बात हो जाती है, तो ऐसी ऐसी चीजें कई बार निकल कर आती है। ऑलरेडी यहां पर कई सारी बातें चल रही है, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर वो सारे मुद्दे भी बने हुए थे, तो उसी के चलते अभी यहां पर ये पॉलिसी आ गई, तो इसको और ज्यादा टाइट लेने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के भी प्यारे हो जाते हैं, एग्जामिनर भी बोलेगा कि चलो शाहरुख खान के बेटे के बारे में तो क्वेश्चन पूछ नहीं पाऊंगा, पर यहां पर नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है। तो बोलेगा ग्लोबल ड्रग पॉलिसी जो इंडेक्स है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया है, तो इसका नाम याद रखेगा, ये हरामी आदमी है, हरामी मतलब हरम, ठीक है, तो इस तरीके से याद रख लेना, क्योंकि ड्रग्स के बारे में बात करें तो हरामी आदमी है, तो उस तरीके से नहीं भूलोगे नहीं है एग्जाम में, ठीक है, तो इसको याद रख लेना। अब आप लोग याद रखोगे तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली हम, ठीक है। तो ये हम रिडक्शन कंसोर्टियम, कंसोर्टियम एक तरह ग्रुप आप लोग संघ बोल सकते हैं, तो इसके द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है। तो ये चाह रहे हैं कि कैसे चीजों को कंट्रोल करना है, इंडिया की रैंक टोटल ये ज्यादा देशों को तो पकड़ नहीं पाए, 30 ही देश है, ज्यादा देशों में चीजें देखने को नहीं मिल रही, तो 18 हमारी रैंक होगी यहां पर, जो रैंक है यहां पर वो 18 है, और 100 में से यहां पर हमारा जो इंडेक्स है स्कोर है वो है 46। अगर जिसने टॉप किया ना वो भी ज्यादा दूध का धुला हुआ नहीं है, टॉप वाले ने भी 74 ही स्कोर यहां पर अटेम्प्ट किया है, यानी कि नॉर्वे टॉप पर है, न्यूजीलैंड और पोर्चुगल यहां पर टॉप पर देखने को मिलेंगे। तो ये भी कोई ज्यादा अच्छे नहीं है कि बहुत ज्यादा साधु सीधे सीधे आदमी है यहां पर, ठीक है, तो सब कोई ना कोई हरामी पंथी करते हुए नजर आते हैं, तो इसलिए यहां पर इन्होंने भी इतनी हरामी पंथी कर रखी है कि 100 में से इनके भी 26 नंबर कट चुके हैं, ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को यहां पर मिलेगा। और नीचे से जो टॉप करने वाले हैं वो तो बेसिकली उन्हें कहा सुभान अल्लाह, तो ब्राजील सुभान अल्लाह सबसे नीचे से टॉप किया ब्राजील ने, फिर युगांडा, इंडोनेशिया, केनिया और ये हो गया मेक्सिको। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूज आना नहीं है, हल्का सा आइडिया कम से कम जरूर रखिएगा। ओके, आगे बात करते हैं, तो यहां पर भी देखिए एक डायलॉग आप लोगों ने सुना, कुत्ते की पूंछ कितने भी दिन नुल्की में रखो निकालोगे तो टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी, और वो पूंछ कौन है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को बताइए। अभी हम लोगों ने एक फ्लाइट स्टार्ट की, बड़ी अच्छी प्यारी सी फ्लाइट थी, बेसिकली श्रीनगर से शारजहां ये जा रही थी, एक पर्टिकुलर देश के ऊपर को होते हुए जो कि कभी हमारा पार्ट हुआ करता था, तो आज इतना बड़ा दुश्मन हो चुका है कि हमको ऊपर से भी उड़ने के लिए बेसिकली मना करता है, धरती में से जाने की तो दूर की बात हो गई है। तो ये ऐसी ऐसी हरकतें करता हुआ नजर आता है, तो उसी के चलते अभी बेसिकली हम लोगों को दूसरी जगह से घुमाकर रास्ता लेकर आना पड़ा, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोगों ने देखा कि हमारी जो गो फर्स्ट, इसको पहले गो एयर भी बोलते थे, इसकी फ्लाइट को थोड़ा सा दूर से लेकर जाना पड़ा। तो बोला यह गया कि पाकिस्तान ने जो शिकागो कन्वेंशन है उसका उल्लंघन कर दिया। शिकागो कन्वेंशन के दो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए थे जो आप लोगों को याद रखने थे। तो शिकागो कहां पर है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, और 1944 में कन्वेंशन हुआ और बोला गया यार देखो जहाज कैसे उड़ाना है ना, बदतमीजी नहीं काटनी है, जहाज को ढंग से उड़ाना है और जैसे उड़ाना है हम बताएंगे। तो इन्होंने बोला कि हाँ कैसे कैसे उड़ाना है उसके लिए रूल और रेगुलेशन बनाएंगे। तो शिकागो कन्वेंशन में से एक ऑर्गेनाइजेशन पैदा हुई, वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, वो थी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको बनाया गया, तो ये बोले कि ठीक है यार ऐसा है कि मैं आप लोगों के लिए रूल और रेगुलेशन बनाऊंगी और इसके हिसाब से हवाई जहाज उड़ाना है, पर लेकिन उसके हिसाब से उड़ाना कोई बदतमीजी नहीं करेगा, अगर कोई बदतमीजी काटेगा तो क्या करोगे। इसने बोला यार मैं क्या ही करूंगी, आप ही डिसाइड कर लो क्या करोगे, ठीक है, हम तो रूल और रेगुलेशन बना सकते हैं और तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो अभी यहां पर कुछ ऐसा ही हुआ, फर्स्ट जो फ्रीडम राइट था यहां पर इसमें दिया गया, वो दिया गया कि इनके द्वारा ये बोला गया कि यार एक जगह से दूसरी जगह पर अगर आप लोग जहाज उड़ा रहे हो, ठीक है,
अगर वो आप लोग नॉर्मल पर्पज के लिए जा रहे हो, कोई ऐसा नहीं कि आप लोग का मिलिट्री का जहाज है, आप लोग लोगों को बेसिकली किसी दूसरी जगह पर ले जाकर छोड़ रहे हो ना, जो यात्रीगण है, तो यात्रीगण को कृपया ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो एक देश से दूसरे देश में कोई फ्लाइट जा रही है उसके बीच में आने वाले देशों को ध्यान देने की जरूरत है कि वो इस हवाई जहाज अगर कोई जा रहा है ऊपर से तो उसमें उंगली ना करे, ठीक है, तो उसको आसानी से जाने दे। पाकिस्तान बोला कि नहीं बिल्कुल नहीं, हम तो पत्थर उछाल के मारेंगे, कोई ना कोई तो पत्थर लगे गए। तो इंडिया ने बोला ऐसा मत करो यार, हम कहीं और से चले जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। तो हम लोगों ने अपना रास्ता चेंज कर लिया। तो इससे पाकिस्तान की बेइज्जती ये होगी, यानी कहते हैं आधे आदमी ऐसे होते हैं उनकी बेइज्जती होती रहे तो तभी उनको सुकून मिलता है। तो पाकिस्तान की बेइज्जती होगी कि यार ये क्या हरकतें कर रहे हो, तुम तो ये इंटरनेशनल रूल फॉलो नहीं कर रहे हो। हालांकि इंडिया चाहता तो घसीट सकता था बेसिकली पाकिस्तान को यहाँ पर इंटरनेशनल सिविल एविएशन में, पर इंडिया ने सोचा यार फालतू में क्या ही टाइम खराब करना है, ठीक है। वो नहीं बोलते हैं कि कई बार की गाड़ी चलती रहती है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, ठीक है, तो ये ऐसी चीजें आप लोग कई बार देखने को मिलेगी। तो हम तो पाकिस्तान को कई बार ऐसे ही बोलते हैं, कभी कश्मीर का मुद्दा उठा लिया, कभी मुस्लिम का मुद्दा उठा लिया, कभी रिलीजन का कोई और मुद्दा उठाकर बैठ गए, तो इंडिया की इमेज को हमेशा धूलमित करने की कोशिश करते हैं। पर इंडिया वाले भी कहें कि कर लो जो तुमको करना है, सो सुनार की एक लुहार की ही देखने को मिलेगी तुमको और तुम उसी में ढेर हो जाओगे, ठीक है। बल्कि ये तो ये भी बोलते हैं सिविल एविएशन वाला फंडा, तो ये बेसिकली कन्वेंशन शिकागो वाला, कि आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई फ्लाइट अगर आ रही है तो नॉन टैरिफ पर्पज से आप लोग उतार भी सकते हैं। यानी कि इनका तो ये भी मानना है अगर हमारा तेल खत्म हो गया तो हम लोग पाकिस्तान से तेल भरवा कर यहां से उड़ भी सकते हैं, बस पैसेंजर लेने और उतारने नहीं थे। पर पाकिस्तान तो एक अलग ही मुद्दे की बात कर बैठा है यहां पर, तो ये भी काफी बड़ा मुद्दा बन गया था। तो पता होना चाहिए आप लोगों को ये मुद्दे क्या हैं, ठीक है, तो मुद्दे पता रहने चाहिए। आगे बात करते हैं पद्म अवार्ड, काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पूरी लिस्ट मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा दी है, 2 साल के प्रोवाइड कराएंगे। और कुछ याद नहीं रखना है तो पद्म विभूषण जरूर याद रखिएगा। तो बेसिकली 7 दिए गए 2021 में और 7 2020 में, तो दोनों साल के प्रोवाइड कराए गए। शिंजो एबे जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, इनका भी नाम देखने को मिला। एसपी बाला सुब्रमण्यम का नाम अभी आप लोगों को देखने को मिला। कई सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, सुषमा स्वराज जी यहां पर, ठीक है, अरुण जेटली जी, ठीक है, जॉर्ज जो फर्नांडिस, तो कई सारे ऐसे नाम अभी आप लोगों के सामने निकल कर आए। और अभी रिसेंटली जो मैरी कॉम, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट नाम यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सारी लिस्ट टेलीग्राम पर ऑलरेडी पीडीएफ पड़ी हुई है, इनको जाकर एक बार नजरों में निकाल लेना। आप जिस भी स्टेट से निकल कर आते हैं अगर उसका कोई भी नाम है तो उसके कम से कम आप लोग वोट जरूर देख लेना, ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, ओके। बाकी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में आप लोगों को कई बार पढ़ाई चुका हूं, भी आप लोगों को देखने को मिला हमारे द्वारा 5 सिद्धांत आप लोग जरूर याद रख लेना, ठीक है, क्वेश्चन बनेगा बनेगा, यहां से टपकेगा टपकेगा, ठीक है। तो फिर बोलोगे टपका कहां से आया, तो यहां से आया टपका, ओके, तो उसको लपक लेना। तो यहां से 500 गीगावाट कर दिया 2030 तक का, 50% रिडक्शन की बात की जा रही है, बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करने की बात की जा रही है 2030 तक का, 1 बिलियन टन जो एमिशन है उसको कम करने की बात की जा रही है 2030 तक का। 2030 में क्या रखा है ऐसा, ये रखा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 में आएंगे, तो तब तक निपटा लेता है जितना निपटता है। पहले बोला गया था कि पैंतीस पे करना है, अभी 45 कर दिया इंटेंसिटी को डिक्रीज करने की, और 2070 तक का बेसिकली बोला जा रहा है कि हम लोग नेट जीरो करेंगे, ठीक है। अब कितना करेंगे वो तो देखने को मिलेगा, अभी यहां पर चाइना का 60 है, यूएसए का 50 है और हमारा 70 है, तो देखते हैं किसका पहले अचीव होता है। पता चला इंडिया ने सबसे पहले अचीव कर लिया, तो देखते हैं वो, ठीक है। हम लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया, वैसे इटली को हम लोगों ने पटा लिया कि भाई साहब पैसा दो तभी अचीव कर पाएंगे, वैसे ना होने वाला है ये, तो इटली बोला कि ठीक है क्यों नहीं भाई साहब, बताओ अकाउंट दे दो, अकाउंट नंबर सेंड कर दो, हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो इटली ने बोला कि हम लोग ना भीम ऐप से भी ट्रांसफर कर देंगे, तो तुम एक बार बताओ तो सही, तो देखते हैं कितना पैसा आता है यहां पर, तो तभी हम लोग अचीव कर पाएंगे। 450 हमारा पहले था, अब देखते हैं आगे क्या हो पाता है, ओके। एक साइबर इंडेक्स के बारे में आप लोगों से बात की थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट था, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है। और इंटरेस्टिंग चीज क्या थी जो मुझे इसमें देखने को मिली थी, वो ये थी कि जो सऊदी अरेबिया है वहां की साइबर सिक्योरिटी इतनी टाइट हो गई है, यूके के बराबर आकर बैठ गए, ठीक है। और जो इस्टोनिया है वो 3rd नंबर पर है, और इंडिया जो है वो 10th पोजीशन पर है, 37th देशों में अगर आप लोग काउंट करते हैं। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। आगे मैंने आप लोगों से यहां पर बात की थी, ये बेसिकली यहां पर बात की जा रही थी काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में। हर एक इंसान जो है आज के दिन में किसी न किसी डिप्रेशन से गूंज रहा है, मैंने आप लोगों को बताया भी था अभी कितने सारे लोग जो है सुसाइड कर रहे हैं, ऐसे कई सारे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो उन्हीं में से यहां पर यह भी एक मुद्दा था डिप्रेशन का, तो इसी के चलते वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 10th ऑफ अक्टूबर को। और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड की है यहां पर ये भी मेंटल हेल्थ के इशू को काफी इंपॉर्टेंट मानती है, ठीक है। अगर कोई इंसान सुसाइड करता है, पहले उसको पकड़कर जेल में डालते थे, अब उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजते हैं, क्योंकि यहां पर ये एक बीमारी की तरीके से इसको लिया जा रहा है। तो इसके बारे में भी कई सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलती है। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा मैंने डिस्कस किया था बेसिकली किसके बारे में, टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में। कोई गाड़ी है उसकी सीट बन रही है, उसके टायर बन रहे हैं, उसका स्टेयरिंग वगैरह यूज किया जा रहा है, तो जो भी सामान से यूज किया था तो वो टेक्निकल टेक्सटाइल की कैटेगरी में आता है। तो यहां मैंने उदाहरण भी आप लोगों को बताया था यहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं सीट बेल्ट वगैरह बन गई, एयर बैग्स बन गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो टेक्निकल टेक्सटाइल अलग अलग एरिया में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, जो कि याद रखिएगा इसी में हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात की जा रही है। तो बहुत सारे लोगों को जो मिल सकते हैं यहां पर, तो जो धंधा सामान बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं, अपने देश से बनाएंगे और बेचेंगे, तो वो वाला फंडा है यहां पर, ठीक है।
तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा, एक और रिपोर्ट के बारे में मैंने बात की थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा रिलीज की गई लॉजिस्टिक ईज, ये एक्सेस डिफरेंट स्टेट के बारे में बात की थी यहां पर। तो ये रिपोर्ट इंडेक्स जो है यहां पर, ये मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसको रिलीज किया गया था। तो मैंने बोला था यहां पर कि कौन कौन राज्य यहां पर टॉप कर रहे हैं, तो गुजरात ने टॉप किया था, हरियाणा और पंजाब के द्वारा टॉप किया गया था। ठीक है, तो कई सारे लोग बोले थे कि सर गुजरात में क्या खाओगे, हरियाणा में क्या खाओगे, तो जो मैंने बोला था, तो मुझे जो याद था मैंने वो बोल दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे पता है सारी चीज कहाँ की क्या स्पेशलिटी है। तो इस तरीके से देखो कि जो भी आप लोग खिलाओ वही खा लेंगे यार हम तो, वो नहीं कहते कि भूखे इंसान को जो खिला दो उसी में पेट भर जाना चाहिए बेसिकली, वो मोदी जी वाला डायलॉग, हम तो साधु आदमी यार अपना झोला उठा के चल देते हैं, जो मिलेगा खा लेंगे। तो कहने का ये अपने अपने एरिया की स्पेशलिटी थी वो बेसिकली बताने की कोशिश की गई थी। हिमालयन रीजन में जम्मू एंड कश्मीर देखने को मिलेगा, सिक्किम और मेघालय दूसरे नंबर पर, दिल्ली में यहाँ पर ये यूनियन टेरिटरी टॉप पर थी। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थी जो पता होना चाहिए। आगे अगर बात करें यहाँ पर, तो एक डैम के बारे में मैंने आप लोगों से बात की, जिसको बेसिकली यहाँ पर कमिंग डैम बोला था। ठीक है, तो ये कहाँ पर है ये मैंने डिस्कस किया था कि पर्टिकुलर रिवर के नाम भी बताए थे दो, एक को बोला गया था यहाँ पर बेसिकली बिखोम और दूसरा बोला गया था यहाँ पर तेंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिकली ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार बन जाते हैं। ठीक है, तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो कमिंग, और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है यहाँ पर, ये ब्रह्मपुत्रा। तो इसके ऊपर ये बेसिकली डैम था जो कि मैंने डिस्कस किया था, और ये अरुणाचल प्रदेश में, तो चाइना का दबदबा भी रहता है, इसकी वजह से भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो इधर टोटल आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। पीडीएफ इसकी नहीं मिलती है, रीजन आप लोगों को पता है, ये सारा रिवीजन होता है पूरे वीक का, तो अच्छे से एंजॉय कीजिए, अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, और कल मॉर्निंग में 9 बजे एग्जैक्ट आप लोगों को पूरी अक्टूबर महीने की आप लोगों को वीडियो मिलने वाली है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। उन्हें कहते हैं पुराने टाइम बुला देते ये हाजिर हो तो और वीडियो हाजिर हो जाएगी सुबह 9 बजे, तो आप लोग अपनी पेटी बांधकर तैयार रहिएगा। ठीक है, ताकि निकल ना जाए वीडियो। ओके, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।